I'm Javian Arzu Arya from Department of Education and Methodology. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करी थी. यूनिट फर्स्ट में हमने स्टार्टिंग के टॉपिक्स कंप्लीट करना शुरू किया है. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जेम्स जीन्स की टाइडल हाइपोथेसिस की थ्योरी देखी थी. टाइडल हाइपोथेसिस की थ्योरी मैंने आपको बताया था कल भी कि वो एक हाइपोथेसिस है, वो एक थ्योरी ही नहीं है. हाइपोथेसिस मतलब वो सिर्फ एक अजम्पशन दिया गया है और फिर उसके बेस पे उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है. लेकिन एट लास्ट ये हुआ कि उसका कोई एक साइंटिफिक या फिर एक पूरा सही तरीके से एक एविडेंस नहीं मिल पाया कि हम इसको बिल्कुल ट्रू कर सके कि हाँ ये बिल्कुल एक सही हाइपोथेसिस है. हम इसको बिल्कुल एट लास्ट ले जाकर हम इसके रिजल्ट से मतलब रिजल्ट निकाल सके. बट एट लास्ट ये हुआ कि वो सिर्फ एक हाइपोथेसिस बन के रह गई. नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में आता है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी बेसिकली, अब आप इस नाम से ही देख रहे होंगे कि ये एक थ्योरी है. थ्योरी है तो मतलब इसके बहुत सही एविडेंस मिले हुए हैं. एविडेंस मिलने के साथ साथ क्या हुआ है, इसको साइंटिफिकली अप्रूवल मिला है. साइंटिफिकली अप्रूवल मिला है, इट मीन्स ये होता है कि हाँ एक्चुअली इस थ्योरी में जितने भी अजम्पशंस रखे गए थे, इस थ्योरी में जितनी भी बात रखी गई थी, वो सब क्या है, वो कहीं ना कहीं एक अप्रूव्ड है. कहीं ना कहीं उसके हमें आज के टाइम पर एविडेंस देखने को मिलता है कि एक्चुअली ऐसा ही हुआ होगा. ठीक है, तो आज हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. ये थ्योरी एक यूनिवर्स के बारे में थ्योरी है जो हमें बताती है कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ. हमने पढ़ा था, हम ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं. तो ओरिजिन ऑफ अर्थ में बेसिकली अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स. तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा यूनिवर्स ही कैसे बना है, तो उसके अंदर का हम जो सब पार्ट होगा अर्थ, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे निकाल पाएंगे. तो इसलिए आज हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं. देखिए, थ्योरी पढ़ने का सबसे बेसिक तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ये देखो कि वो थ्योरी उस थ्योरी का क्या नाम है. ठीक है, इस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी के बाद हम सेकंड नंबर पे ये देखते हैं कि वो बिग बैंग थ्योरी में कौन कौन से अजम्पशंस दिए गए थे, या फिर उस थ्योरी में कौन कौन से, आपको आप वर्ड देख रहे होंगे कि मैंने स्लाइड में लिखा है फेजेस में. हमेशा जो भी कोई एक प्रोसेस होता है वो हमेशा फेजेस में होता है कि पहले फेज में क्या हुआ, उसके बाद सेकेंड फेज में क्या हुआ, उसके बाद फेज में क्या हुआ. तो बेसिकली जब हम पूरा का पूरा प्रोसेस उस फेज में जानने लग जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि एट लास्ट ये थ्योरी कैसे काम करी, ये थ्योरी आज के टाइम पे कैसे एप्लीकेबल है. ठीक है, तो सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी हमें ये बताती है कि जो हमारा जो यूनिवर्स है वो बेसिकली 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ओरिजिन हुआ था. उसका जो स्टार्टिंग हुई वो इतनी पुरानी हुई. तो अगर मुझसे कोई पूछे कि अर्थ कितनी पुरानी है, फिर अर्थ यूनिवर्स में से जो अर्थ निकली वो कितनी पुरानी निकली, तो हम देख सकते हैं वो 13.7 बिलियन अगो पुरानी बात है. जब ये सारे के सारे प्रोसेस हो रहे थे हमारे यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में जितने सारे सोलर सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा था, हमारे यूनिवर्स में मिल्की वे बन रहा था, मतलब ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड का टाइम है जब ये सारे प्रोसेस हुए. लेकिन ये प्रोसेस कब हुए, बहुत टाइम पहले प्रोसेस हुए. सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं, द यूनिवर्स बिगेन एज वायलेंट एक्सपेंशन, ऑल मैटर एंड स्पेस वर क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑफ अ प्योर एनर्जी ऑफ एन इंस्टेंट. देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है. आप देखोगे जब ये यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ ना, तो बेसिकली क्या था, यहाँ पर एक इतना सा सिंपल सा एक छोटा सा पॉइंट था. उस छोटे से पॉइंट में इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, उस छोटे से पॉइंट में इतना बड़ा ये आप एक मान सकते हैं बॉम्बार्डमेंट हुआ, कि क्या हुआ, इतनी वाइड स्पेस पे एनर्जी निकली, इतनी ज़्यादा डिस्पर्स्ड एनर्जी निकली, इतना बड़ा उसका आउटकम निकला कि क्या हुआ कि एक यूनिवर्स का डेवलपमेंट हुआ. तो ये हमें यही बताता है कि थ्योरी तो बनना स्टार्ट हुई, लेकिन थ्योरी की स्टार्टिंग किससे हुई, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल पॉइंट से हुई. सेकेंड नंबर पर हम ये देखते हैं कि जो हमारी बिग बैंग की थ्योरी है वो कितने फेजेस में हुई, वो फेजेस में क्या क्या हुआ. आप बेसिकली देखोगे इसको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर रखा है, और उस फेजेस से ही हम उसके प्रोसेस जान पाते हैं. सबसे पहला जो फेज है वो ये हमें ये बताता है, सबसे पहले क्या हुआ. देखो, ये फेजेस के साथ साथ मैंने आपको डायग्राम भी बना के दे रखे हैं ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियरिटी हो. सबसे पहले देखा है कि हमारे टाइम के बिगनिंग में क्या हुआ, फ्रॉम कम्प्लीट नथिंगनेस अ कॉस्मिक एक्सप्लोशन इग्नाइट्स. मैंने आपको बताया कि जब भी इसका ओरिजिन हुआ तो एक सिंपल सा पॉइंट था, वो सिंपल से पॉइंट में एक्सप्लोजन हुआ. तो वो जो सिंपल सा जो पॉइंट था जिसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, वो हमें यही बताता है, देखिए ये एक सिंपल सा पॉइंट और इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है. तो फर्स्ट फेज में क्या हुआ, कुछ बिगनिंग ऑफ टाइम में कुछ भी नहीं था, एक नथिंग कंप्लीटनेस थी, लेकिन अ कॉस्मिक एक्सप्लोजन इग्नाइट, एक इग्निशन हुआ एक्सप्लोजन का. सेकेंड नंबर पे वो हमें ये बताता है, द थ्रस्ट फ्रॉम द एक्सप्लोजन सेंड बिलियंस ऑफ टर्न्स ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस, ऑल द एलिमेंट्स बिगिन टू कूल. देखिए, दो चीज़ें हैं. सबसे पहले
बहुत पुराने टाइम, मतलब बहुत टाइम पहले ये प्रोसेस हुआ था कि बिग बैंग थ्योरी का, लेकिन जब ये बहुत पहले हुआ, लेकिन ये बहुत छोटी ड्यूरेशन में ही बहुत सारे प्रोसेस हो गए। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं कि जो एक एक्सप्लोजन हुआ है यहाँ पर, इसमें बिलियंस एंड टर्न्स ऑफ एनर्जी निकली। जैसे ही टर्न्स ऑफ एनर्जी यहाँ से निकलती है, तो क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा हॉटनेस निकलती है। लेकिन एक्सप्लोजन होने के बाद जब इतने सारे रेडिएशंस निकले, इतने सारे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली, तब क्या हुआ, जब ये निकल गई, वो एक्सप्लोजन हो गया, उसके बाद वो क्या हुआ, धीरे 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 ठंडा होना शुरू हुआ। तो फर्स्ट फेज़ में वो इग्निशन हुआ, लेकिन सेकेंड फेज़ में वो जो बॉम्बार्डमेंट हुआ है, उसमें अब कूलनेस का प्रोसेस आने लगा है, उसके अंदर अब थोड़ा बहुत सेटलमेंट का प्रोसेस आने लगा है। नेक्स्ट हम देखते हैं फेज थर्ड में क्या होता है। फेज थर्ड में जो गैलेक्सीज होती है, बिगिन टू टेक शेप वाइल स्टिल मूविंग अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ इग्निशन। पॉइंट ऑफ इग्निशन हम फर्स्ट फेज में समझ गए थे। फर्स्ट फेज में पॉइंट ऑफ इग्निशन समझने के बाद क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ इग्निशन समझने के बाद, अब वो इग्निशन ऐसा मानो यहाँ पर हो रहा है, इसके अंदर ये बॉम्बार्डमेंट हुआ, अभी अलग 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 डिस्पर्स हुए, अब ये धीरे धीरे कूल डाउन होते जा रहे हैं, कूल डाउन होते जा रहे हैं, तो अलग 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 क्या बन रहे हैं, सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स बन रहे हैं, अलग अलग स्टार्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी मिल्की वे हैं, जितने भी गैलेक्सीज हैं, इन सब का क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे हम देखते हैं या यूनिवर्स कंटिन्यूज टू एक्सपेंड दिस वेरी डे। ठीक है, देखो अब आप समझ गए होंगे, पहले ये पॉइंट यहाँ पर था, फिर इसके अलग अलग डिस्पर्समेंट हुए, अलग 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 शेप्स बनी, और अलग अलग शेप्स में अलग अलग प्लैनेट्स बन गए। लेकिन फेज फोर में क्या हो रहा है, फेज फोर में आप देखोगे कि हमारा ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, जिसे हम स्पेस बोलते हैं, और उसके अंदर क्या हो रहा है, ये प्लैनेट्स देख रहे होंगे। जब भी आप आज के टाइम पर भी प्लैनेट्स देखोगे या फिर आप यूनिवर्स देखोगे, तो बेसिकली आप यही चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि हमारा बहुत बड़ा सा यूनिवर्स है, उसके अंदर अलग 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 प्लैनेट्स है, अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जिसके अंदर स्टार्स है, जिसके अंदर मिल्की वे है, जिसके अंदर और भी वेज है, जिसके अंदर और भी बॉडीज है कॉन्स्टिलेशन की। मतलब बेसिकली द थिंग इज, एक छोटे से इग्निशन से या फिर एक छोटे से पॉइंट से इतना बड़ा यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है, और यही इतना एक्सपैंड ओरिजिन के, एक एक्सपेंड यूनिवर्स के ओरिजिन को ही क्या समझाती है, एक्सपेंड यूनिवर्स के ओरिजिन को ही बिग बैंग बोला गया है। इसको ही थ्योरी को बोला गया है कि एक छोटा सा पार्टिकल जब इतना बड़ा बैंग आउट कर देता है, तो दिस थ्योरी इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी। देखिए, जब हम ये सारे के सारे फेसेस टर्न बाय टर्न या पॉइंट बाय पॉइंट समझ जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि बिग बैंग थ्योरी एक पॉइंट से निकली, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, फेज फोर हुआ, फेज फोर तक आते आते जो एक सिंगल सिंपल सा या सिंगल पॉइंट था, वो अलग 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 बॉडीज में या फिर अलग 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 प्लैनेट्स में बाइफरकेट हुआ। बाइफरकेट होने के बाद हमारा पूरा का पूरा और यूनिवर्स का क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज के टाइम पे जो हमारा एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, वो हमें ये बताता है कि ये बिग बैंग का मॉडल है। ये बिग बैंग के मॉडल में एक्सप्लोजन हुआ, पहले ये इस स्टेज में बढ़ा, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे अलग 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 प्लैनेट्स का डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग गैलेक्सीज बनी, अलग अलग मिल्कीज वेज बने, आपका यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, और एट लास्ट जो हमारा यूनिवर्स है, वो एक इस स्टेज पे आके बन जाता है कि बेसिकली हम एक पूरे के पूरे हमारे कंप्लीट यूनिवर्स को देख पाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, इसके अंदर यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग मॉडल द यूनिवर्स एक्सपेंड फ्रॉम एक्सट्रीमली डेंस एंड हॉट स्टेट एंड कंटिन्यूज टू एक्सपेंड टूडे। हाँ, दिस थिंग इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन सिर्फ जब भी एक पॉइंट ऑफ इग्निशन से स्टार्ट होकर और वो इतना बड़ा एक्सपेंशन हो गया, नहीं, आज के टाइम पे भी आप देखोगे हमारा जो यूनिवर्स है वो अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, और ये आने वाले टाइम तक एक्सपेंशन इसमें होता रहेगा, बिकॉज जो इनिशियली जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो कभी भी रुका नहीं है, वो एनर्जीज अभी भी ट्रांसफ़र हो रही है, वो रेडिएशंस अभी भी आ रही है, वो सारी की सारा प्रोसेस वो अभी भी कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है। तो हमेशा एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इन स्टिल इन प्रोसेस, वो अभी भी कंटिन्यू होता जा रहा है। तो बेसिकली लास्ट में वो यही बात कहता है कि आप एक सिंपल से मॉडल से ये समझ जाओगे कि स्टिल हमारे पास एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, और ये थ्योरी अभी भी बिल्कुल सही तरीके से क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो ये हमें ये बताता है कि एट लास्ट यूनिवर्स एक्सपेंड फ्रॉम अ एक्सट्रीमली डेंस पॉइंट। हाँ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक फिनोमिना और जानिए, जब भी कोई चीज़ जितनी ज़्यादा
क्लब्ड होगी या जितनी ज़्यादा क्लस्टर्ड होगी ना उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी, और आप इसे और ज़्यादा डेंस या फिर और ज़्यादा आप उसे इकट्ठा करते जाओगे एक तरफ से, तो इसकी डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, फिर जाके एक स्टेज ऑफ सेचुरेशन आएगा, तब जाके इसकी डेंसिटी नहीं इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाथ में कोई भी फोम है या फिर कोई भी एक प्लास्टिक का टुकड़ा है आप ही मान लो, आप उसको जितना प्रेस करोगे जितना प्रेस करोगे इट मीन्स उसकी डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसका स्पेस कम होता जा रहा है लेकिन उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सेम एग्जैक्टली वो भी यही कहता है, एक्सट्रीमली डेंस एंड हॉट स्टेट, ये एक्सट्रीमली डेंस और हॉट स्टेट था और इसके बाद क्या हुआ, इसका एक्सपेंशन होना शुरू हुआ और इसके एक्सपेंशन की वजह से ही क्या हुआ है, हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और यही जो हमारा यूनिवर्स है वो आज के टाइम पे भी एक्सपेंड करता जा रहा है, वो कंटिन्यूसली एक्सपेंड करता जाएगा। ठीक है, सो एट लास्ट देखिए ये पूरा का पूरा बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी बहुत ईजी सी है, सिर्फ और सिर्फ आपको फेजेस में याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, सेकंड स्टेज में क्या हुआ, थर्ड स्टेज में क्या हुआ। जब आप ये सारा का सारा चीज़ें स्टेप बाय स्टेप याद कर लोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हमारा जो बिग बैंग थ्योरी है वो कैसे वर्क किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो थ्योरीज है, हाँ वन मोर थिंग, आप जो भी थ्योरीज पढ़ते जा रहे हो उसको आप घर पे भी रिवीजन करें ताकि आपका एक कंटिन्यूएशन बना रहे कि पहले हमने ये पढ़ लिया उसके बाद हमने ये पढ़ लिया उसके बाद हमने ये पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मॉड्यूल 2 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हमने ओरिजिन जान लिया कि ये रीज़न थे जिसकी वजह से हमारा अर्थ का ओरिजिन हुआ। मॉड्यूल 2 में अब उसके हम थोड़ा इंटीरियर के बारे में जानेंगे, हम अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उन सब के बारे में जानेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।